आज भी हमारे देश में हम ग्रोसरी का सामान लेने के लिए लाला की दुकान पर ही जाते हैं, लेकिन जापान में लोग लाला की दुकान की जगह वेंडिंग मशीन्स पर जाते हैं, क्योंकि छोटे से जापान में लगभग 50 लाख वेंडिंग मशीन्स हैं। अब सवाल आता है कि आखिर यह वेंडिंग मशीन्स काम कैसे करती हैं और यह कैसे पता करती हैं कि आपने जो सिक्का डाला है वह नकली सिक्का नहीं है। हम हमेशा अपनी वीडियो से आपको कुछ नया सिखाते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेंडिंग मशीन्स में सामान स्पाइरल्स के अंदर फंसा हुआ रखा होता है और इन सारे स्पाइरल्स को कंट्रोल करने के लिए एक एक मोटर लगी होती है। आप जैसे ही कोई सामान सेलेक्ट करते हैं, यह मोटर स्पाइरल को घुमाती है और वह सामान नीचे गिर जाता है और आप उसे उठा लेते हैं। आप जैसे ही वेंडिंग मशीन में कोई सिक्का डालते हैं, सबसे पहले सेंसर्स उसका शेप और साइज चेक करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उस सिक्के का मटेरियल चेक करते हैं। इन चेक्स के बाद मशीन कंफर्म करती है कि सिक्का असली है कि नकली। अगर सिक्का नकली होता है तो वह उसको बाहर फेंक देती है, और अगर सिक्का असली होता है तो मशीन उसको अपने अंदर स्टोर कर लेती है। बाकी लाला की दुकान से सामान खरीदना आसान है कि वेंडिंग मशीन से, यह कमेंट्स में जरूर बताइए।